कोरोना से हमने एक बड़ी जंग जीती है। अब स्कूल, कॉलेज, बाजार, ऑफिस पहले की तरह खुल गए हैं, लेकिन ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। कोरोना हमें पुनः परेशान न करे, इसके लिए जरूरी है लगातार सावधानी और सजगता। खुद भी सतर्क रहना और दूसरे को भी सावधान करना है। सबसे पहले कोविड टीके की दोनों डोज समय पर लगानी है। याद रखें, टीका ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उत्तराखंड में 100% पात्र लोगों को पहली डोज लगाने के बाद अब तक 75% से ज्यादा पात्र लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। कोरोना से जंग के बीच जनजीवन तेजी से दौड़ता रहे, इसीलिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभानी है। जरूरी है वही सतर्कता, अपने हाथों की सफाई का ध्यान रखें, घर से बाहर मास्क लगाएं और कोविड से बचाव संबंधी सभी नियमों का पालन करें। हमने मन में ठाना है कोविड से सबको बचाना है। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश कांग्रेस ने महिला टिकट दावेदारी की मांग को फिर दोहराया। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे को दिया उदाहरण, कहा पार्टी हाईकमान को करना चाहिए विचार। लंबे विवाद के बाद आखिरकार राज्य सूचना आयुक्त के पद पर हुई नियुक्ति। राज्यपाल ने विवेक शर्मा को दिलाई शपथ, विपक्ष उठा चुका था सवाल। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। नहीं उठाए सक कदम तो घातक हो सकते हैं परिणाम, लोग भी भूले कोविड गाइडलाइंस का पालन। बुल्ली ऐप मामले में उत्तराखंड से एक और गिरफ्तार। कोटद्वार से एक युवक की गिरफ्तारी। उधम सिंह से मास्टरमाइंड पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी तो बारिश से मैदानों में छुटी कपकपी। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में महिला टिकट दावेदारी की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस प्रदेश सचिव शांति रावत ने महिला दावेदारी को लेकर अपनी मंशा जाहिर की। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी के नारे का उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान को उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को लेकर विचार करना चाहिए। मैं हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं और उनका देवभूमि में स्वागत करना चाहती हूं। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की बात की है, तो मैं उसका दिल से आभार करती हूं प्रियंका गांधी जी का। और देवभूमि उत्तराखंड में भी हम लोगों की एक उनके प्रति एक बड़ी संवेदना है कि वो हमें देवभूमि में भी 20% यहाँ पे आरक्षण 20% हो या 3% हो, क्योंकि यूपी एक बड़ा प्रदेश है और देवभूमि छोटा प्रदेश होने के कारण हम ये कहते हैं कि यहाँ पे 30% भी अगर वो प्रियंका गांधी जी हमें यहाँ पे ऐलान कर दे कि देवभूमि में महिलाओं को 30% टिकट मिलना चाहिए, तो मैं उनका दिल से आभार करूंगी। और अब बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते कोरोना के खतरे की। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों से एक बात तो तय हो चुकी है कि देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। दिनों दिन बढ़ते कोरोना के मामलों ने जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, तो लोगों में कोरोना को लेकर गंभीरता भी ना के बराबर देखी जा रही है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है। उत्तराखंड में हर रोज कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। कोविड के बढ़ते केस तीसरी लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो एक खासा डराने वाली बात है। देहरादून तो कोरोना का हॉट स्पॉट बनकर सामने उभर रहा है। 50% कोरोना मरीज देहरादून से ही मिल रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाकर खानापूर्ति जरूर की है। पिछले 4-5 दिनों में कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 310 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें एक्टिव केस की बात की जाए तो 600 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा तो पुख्ता बंदोबस्त के किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग भी कोविड गाइडलाइन की अनदेखी करते दिख रहे हैं।
उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है उससे यकीनन तीसरी लहर की आहट हो गई है। ऐसे में जहां सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है तो वहीं लोगों को भी कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी इस महामारी के नए खतरे से बचा जा सकता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से रमशा इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तीन जनवरी को देहरादून में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पहली रैली सवालों के घेरे में आ गई है। रैली में अरविंद केजरीवाल ने राज्य की जनता को ना तो फ्री बिजली दी और ना ही फ्री योजनाओं का पिटारा। आखिर कुछ फ्री दे गए, वो है कोरोना। अरविंद केजरीवाल के कोरोना पॉजिटिव को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं और राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खांसी से पुराना नाता रहा है, लेकिन 3 जनवरी को देहरादून में आम आदमी पार्टी की पहली चुनावी रैली को संबोधित करने आए केजरीवाल की ये खांसी आलोचना का सबब बन गई। असल में इन सब बातों से हम आपको वाकिफ इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि देहरादून आए अरविंद केजरीवाल हमेशा राज्य की जनता को कभी फ्री बिजली तो कभी महिलाओं के लिए फ्री प्रतिमा वेतन देने का लॉलीपॉप देने तो जरूर आए, लेकिन जाते जाते राज्य की जनता को फ्री में कोरोना जरूर बांट गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब कोरोना के लक्षण थे तो केजरीवाल रैली करने देहरादून आखिर क्यों आए। परेड मैदान में अरविंद केजरीवाल का भाषण शुरू हुआ तो थोड़ी देर बाद ही उन्हें खांसी आने लगी। लगातार केजरीवाल अपनी खांसी पर काबू करने की कोशिश करते नजर आए। पहले तो लोगों को लगा कि शायद तेज आवाज में बोलने से ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनकी खांसी खटकने लगी। रैली के अगले दिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने खुद के कोविड पॉजिटिव होने को लेकर ट्वीट किया तो लोगों को केजरीवाल की खांसी का मतलब समझ आने लगा। इसके बाद राजनीतिक हलकों में ये सवाल तैरने लगा कि जब केजरीवाल खुद को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे और उन्हें कोरोना के लक्षण थे तो वो रैली को संबोधित करने आखिर क्यों आए। इसको लेकर राजनीतिक दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जुटी केजरीवाल की पूरी टीम आइसोलेशन में है। सीएम प्रत्याशी कर्नल कोठियाल से लेकर उनके संपर्क में आए सभी नेताओं ने अपनी आरटीपीसीआर जांच कराई है। रिपोर्ट बुधवार को आनी है। अब अरविंद केजरीवाल का ये दौरा कितने लोगों पर भारी पड़ेगा ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना के मामलों पर रोक लगाने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले वक्त में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बात सरकार की कोरोना के संभावित खतरे से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। अतीत में भी ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि सरकार की लापरवाही के चलते हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लाखों लोग इससे बीमारी से पीड़ित हुए, उसके साइड इफेक्ट्स के चलते आज तक सहज रूप में जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बुधवार को राजभवन में अनिल चंद पुनेठा को राज्य मुख्य सचिव आयुक्त और विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई और दोनों अधिकारियों को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर पिछले दिनों काफी विवाद चल रहा था। विपक्ष ने नियुक्ति की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। मंगलौर के लिबरहेड़ी में गन्ना समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वेबसाइट और किसानों का इंक्वायरी कार्ड का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मौजूद गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इंक्वायरी कार्ड से किसानों को गन्ने से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेगी। आज लिबरहेड़ी जो हमारी सहकारी गन्ना विकास समिति है उसमें कृषक इंक्वायरी योजना का शुभारंभ किया गया। अब जो हमारे गन्ना किसान हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड अपना मशीन में लगाएंगे, उनको तत्काल उनके पूरी गन्ने की जानकारी, कितना गन्ना उनका अभी बाकी बचा हुआ है, कितना शुगर मिल में चला गया, कितने रकबे में गन्ना बुआई की थी, वो सारी की सारी जानकारी गन्ना किसानों को 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी।
देखिए, आज इस सहकारी गन्ना समिति लिभरेड़ी के 3 योजनाओं का लोकार्पण माननीय गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी ने यहाँ पर किया है। इसमें एक तो हरजुल्ली जड़ में 100 मीट्रिक टन का हमने गोदाम उर्वरक बिक्री केंद्र खोला है, उसका लोकार्पण यहाँ किया है। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ONGC के सहयोग से वाद्य यंत्र वितरित किए। कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए गीता धामी ने महिलाओं से भाजपा के लिए समर्थन जुटाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया। जैसे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने, और स्वयं सहायता समूह के लिए वो इतनी सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं जिससे कि आज महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सक्षम बन रही हैं। मौसम का मिजाज बदल चुका है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से कड़ाके की ठंड से देवभूमि कपकपा उठी है। बदले मौसम का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। मंगलवार को बदले मौसम के मिजाज से प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते पहाड़ों में जमकर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बीच लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं घरों में दुबकने को भी लोग मजबूर हैं। और यही आलम पहाड़ों का भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पहाड़ों में घूमने आए सैलानियों के चेहरे मौसम के मिजाज के साथ खिल उठे हैं। लेकिन बर्फबारी की वजह से कुछ रास्ते बंद हो सकते हैं, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने यातायात में सावधानी बरतने के लिए भी कहा है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश में जो है, जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, एक जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है, उसकी वजह से आज जो है प्रदेश में ज्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश और साथ साथ जो बर्फबारी है, जो हमारे 2200 या 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, तो उसमें हल्की से मध्यम दर्जे तक की जो है बर्फबारी भी वो भी देखने को मिलेगी। वहीं बदले मौसम के मिजाज से फिलहाल राहत मिलने की संभावना अभी नहीं है। वहीं तापमान में हुई गिरावट पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की है। बारिश के चलते सर्दी, बुखार, जुकाम के साथ माइग्रेन जैसी बीमारी की पूरी संभावना है। विशेषज्ञों की सख्त हिदायत है कि बदले मौसम को लेकर एहतियात जरूर बरतें। टाइम टीवी के लिए रक्षंदा खान की रिपोर्ट। अपनों से बिछड़े लोगों के लिए उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल अभियान वरदान साबित हो रहा है। मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए बीते साल 15 सितंबर से 15 दिसंबर 2021 तक चलाए गए इस अभियान में अब तक 1072 ऐसे गुमशुदा बच्चे, बूढ़े और जवान लोगों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलाया और दोबारा जो भटक रहे थे, गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, उनको उनके अपनों से मिलाया गया। उत्तराखंड DGP अशोक कुमार ने ऑपरेशन स्माइल की 12 टीम में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 2015 से चलाया जा रहा है और अभी तक हम 3255 बच्चे और बड़े लोगों को बरामद कर चुके हैं। इस वर्ष हमारा सबसे बड़ा आज तक का रिकॉर्ड जो है, हमने बच्चों को और परिवार वालों को मिलवाया 1072 लोगों को। ये अभियान सितंबर 2021 से 15 दिसंबर 2021 तक चला और आप समझ सकते हैं ये हमारी उत्तराखंड पुलिस की एक संवेदनशील और मानवीय पहल है। और इसमें जो बच्चे शेल्टर होम्स में, ढाबों में, कारखानों में, बस अड्डों पे, रेलवे स्टेशन आदि पे, ऐसे धार्मिक स्थानों में, आश्रम आदि में जो मिलते हैं, उनको ढूंढ करके उनको विभिन्न माध्यमों से, चाहे आधार कार्ड है या और जितने भी, उनसे बात करके उनको उनके परिवार से ढूंढ करके मिलाया जाता है। उत्तराखंड अपनी शांत फिजाओं के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन बुल्ली बॉय क्राइम के खुलासे के बाद ये कांड राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आखिर क्या है ये बुल्ली बॉय ऐप का पूरा माजरा और कैसे इसके जरिए राज्य से अन्य राज्यों तक फैलाया जाता था क्राइम का जाल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में बुल्ली बॉय ऐप खासा सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्या है ये बुल्ली बॉय ऐप जिसने उत्तराखंड को नेशनल सुर्खियों में ला दिया है? बुल्ली बॉय ऐप से कैसे क्राइम के कारोबार का जाल अन्य प्रदेशों में फैला है, इसके हर राज से आज पर्दा उठ गया है। इस ऐप पर एक समुदाय विशेष की महिलाओं की बैठ यानी कि बोली लगाई जा रही थी। इस दौरान महिलाओं का चेहरा दिखाई देता है जिसे बुल्ली बॉय नाम दिया गया।
हालांकि बुलीबाई ऐप विवाद में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी श्वेता सिंह ऐप के कंट्रोलर में से एक हैं। बताया जा रहा है कि श्वेता सिंह ऐसे ही तीन ऐप के अकाउंट को कंट्रोल कर रही थी। श्वेता ने बताया कि एक और शख्स है जो कंट्रोलर है। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर से मुंबई पुलिस टीम ने बुलीबाई ऐप मामले में श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया और असल में श्वेता सिंह ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस युवती को रिमांड पर मुंबई ले गई है। मुंबई में एक क्राइम रजिस्टर हुआ है और उसके तहत सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल यूज़ करके बुलीबाई ऐप एक ऐप है जिसके माध्यम से कुछ सेलिब्रिटीज़ की और कुछ सोशल मीडिया पर एक्टिव महिलाओं की पिक्चर्स वायरल हुए गलत कमेंट के साथ, तो उसी पे कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस यहाँ आई थी और उन्होंने यहाँ पे भी एक लड़की को अरेस्ट किया है, उसका ट्रांजिट रिमांड लिया है, बाकी की कार्रवाई वो कर रहे हैं। इस लड़की का अकाउंट भी इस तरह की पिक्चर्स को वायरल करने के लिए यूज हुआ था। दरअसल ये गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर है। इसमें इंटरनेट मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाता है। समुदाय विशेष की इन महिलाओं की फोटो को प्राइस टैग के साथ बुलीबाई ऐप में लोग एक दूसरे को साझा करते थे। हालांकि केंद्र सरकार के कहने पर इस ऐप को अब हटा दिया गया है। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने कोटद्वार से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बुलीबाई ऐप के जरिए राज्य में पनप रहे क्राइम की जड़ों तक पहुंचने के लिए मुंबई पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। अभी जांच पड़ताल में कितने और राज से पर्दा उठेगा, धीरे धीरे इस पर भी तस्वीर साफ होगी और पता लगेगा कि इस जाल में और कितने मगरमच्छ शामिल हैं। टीवी के लिए रुद्रपुर से एमपी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 13 में सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर नगर निगम के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है जिसकी वजह से हादसों का खतरा लगातार बनता रहता है। जिसकी गली ये काफ़ी अच्छी थी पहले, लेकिन जल निगम वालों ने इसको पाइपलाइन डालने के बाद इनको ऐसे छोड़ दिया इस गली को, और इस गली में इतनी ज़्यादा दिक्कत है, पानी भरा रहता है हमेशा और बच्चों को आने जाने में स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम मेयर जी के पास भी हवाए दो बार, उसके बाद पार्षद को भी इसकी सूचना दी गई। और अब बात करेंगे कैबिनेट की। सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई तो कई अहम फैसले भी लिए गए। लक्सर में बारिश के कारण सड़कें कीचड़ में तब्दील हो गई है, इस वजह से दो पहिया वाहनों के साथ आम जनता का भी सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। हालात ऐसे हैं कि सड़क पर कीचड़ की वजह से लोग हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। मौके पर पहुंचे एसडीएम वैभव गुप्ता ने नगर पालिका परिषद को सड़क की सफाई के निर्देश दिए। हमारी तरफ से ये जो मैली चल रही है ओवरलोड चल रही है और मैली जो चल रही है तो गिरती रहती है, जैसे ही ओस पड़ती है वो सड़क पे चिपक जाती है, उससे काफी लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज भी सुबह से 15-20 लोगों के यहाँ गिरकर चोट लग चुकी है, कई लोगों के घुटने टूट चुके हैं। आज सुबह ही एसडीएम साहब को इससे अवगत कराया है। लापरवाही है और सदन में इनको पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, साथ ही इन पर एक पब्लिक बात भी दर्ज हो गया है। अभी मैं मौके पर ही हूँ, वास्तव में ये बहुत परेशानी का कारण है। मैंने अभी अभी जो नगर पालिका की टीम को यहाँ पर मौके पर आने के निर्देश दिए हैं कि तत्काल आगे सफाई करें, साथ ही सदन पर भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। श्रीनगर में भारतीय सेना के जवान ने कथित रूप से पुलिस पर मारपीट और अपशब्दों का आरोप लगाया है। जवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें जवान घटना की पूरी दास्तां सुना रहा है। वायरल हुए इस वीडियो पर पुलिस की माने तो बीते दिनों पहले एक युवक नशे में वाहन चला रहा था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन युवक के फौजी भाई ने थाने में हंगामा किया था। मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता हूँ, 13 RR में राष्ट्रीय राइफल में अपने देश सेवा के लिए, और पुलिस श्रीनगर प्रशासन ने मुझे ये दिया है। मैं उससे बस इस बात में मैंने उनसे आर्गुमेंट की थी कि आप आर्मी को ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो आर्मी में है तो बड़ा है, आर्मी इज माई फूड। मेरी इंसल्ट की मुझे कोई दुख नहीं है, पर आर्मी के लिए इतना गलत बोल रहे थे वो, जिस मैंने अपना फोन निकाल के जैसे उन्हें बोला कि हाँ आप वीडियो बनाओ, अब गाली दो आप आर्मी को, उन्हें अपने स्टाफ से मुझे कुत्ते की तरह पीटा। जो वीडियो मैंने डाल रखी है आप देख सकते हो, धन्यवाद, मुझे जस्टिस चाहिए। फौजी जो है एक मोबाइल से
वीडियो बनाने के नियत से और वहाँ से जो है चिल्लाता हुआ अंदर को फिर कैंपस में थाना कैंपस में प्रवेश करता है और वहाँ पे वीडियो बनाता है पुलिस वालों की और थाने की कि मेरे को सम्मान नहीं दिया गया, मैं फौजी हूँ, ये है सो वोटर सो। जहाँ तक पुरानी बात है उसका CCTV फुटेज देखी जा रही है, जो भी सही होगा कार्रवाई करेंगे और जो दोषियों को उनके खिलाफ कार्रवाई। लक्सर के भादरपुर में 28 दिसंबर से लापता युवक का शव गांव के पास मौजूद तालाब में तैरता हुआ मिला। बता दें युवक के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक हफ्ते पूर्व इसकी गुमशुदगी दर्ज की गई है थाने में, तो इसकी काफी खोज के प्रयास चल रहे थे, यहाँ जल्द पुलिस बुलाई गई थी लेकिन शव बरामद नहीं हो पाया। लेकिन आज थोड़ा सा बॉडी पानी में तैरने लगी तो गाँव वालों ने सूखा कार्रवाई कर रहे हैं पोस्टमार्टम। रुड़की में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से पिछले दिनों हुई धर्म संसद के मामले पर DM को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालय का भी घेराव किया। देखिए कुछ समय पहले जिला हरिद्वार के अंदर जो है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा यहाँ एक हिंदू संसद का आयोजन किया गया। उस हिंदू संसद में बाहर से संत समाज के लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने पर वहाँ जो है लगातार वाहियात बयानबाजी वाहियात भाषणबाजी की गई। इसलिए ज़्यादा प्यार मिल रहा कि हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं उनका जो मिशन है वो एकता मिशन है, इसलिए सर्व समाज का पूरा सहयोग है और हमारे अध्यक्ष जी की जो मेहनत है और ईमानदारी, और इसमें आप देख रहे कि जनता का प्यार तो मिलेगा ही, जो आदमी ईमानदार होगा ईमानदारी के साथ एकता मिशन लेकर चल रहे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रदेश कांग्रेस ने महिला टिकट दावेदारी की मांग को फिर दोहराया। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को दिया उदाहरण, कहा पार्टी हाईकमान को करना चाहिए विचार। लंबे विवाद के बाद आखिरकार राज्य सूचना आयुक्त के पद पर हुई नियुक्ति। राज्यपाल ने विवेक शर्मा को दिलाई शपथ, विपक्ष उठा चुका था सवाल। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। नहीं उठाए सक कदम तो घातक हो सकते हैं परिणाम, लोग भी भूले कोविड गाइडलाइंस का पालन। बुल्ली ऐप मामले में उत्तराखंड से एक और गिरफ्तार। कोटद्वार से एक युवक की गिरफ्तारी। उधम सिंह से मास्टरमाइंड पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बर्फबारी तो बारिश से मैदानों में छुटी कपकपी। कड़ाके की ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें। विकास का पहिया घूम रहा है, अंधेरा आंखें मूंद रहा है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया उत्तराखंड है देखो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य को 1,00,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। संजीवनी की माउंटेन से बिजली यहाँ चमकती है, नेचर और कल्चर की अद्भुत काया यहाँ दमकती है। एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, टाइम की टेंशन तोड़ रहे हैं। नव निर्माण हर तरफ है देखो, समर्था उत्तराखंड है देखो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16,216 करोड़ की 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की है। 9,00,000 से अधिक किसानों को कुल 1,388 करोड़ की किसान सम्मान निधि। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ धाम में 225 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण। कोरोना महामारी में उत्तराखंड का जनजीवन सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के सभी पात्र लोगों को 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो।